एसलग जिला मुख्यालय जांजगीर चांपा के कचहरी चौक में एलपीजी गैस सिलेंडर फटने से एक दुकान में लगी भीषण आग। बताया जा रहा है कि कोई जान जाने की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। लाखों का सामान को आग अपनी आगोश में ले लिया। लगभग 5 से 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो है। और तलब है कि इस भीषण आग जनित पर कोई जान जाने की पुष्टि नहीं हुई है और न ही कोई आग के चपेट आए। बताया जा रहा है कि 2 गैस सिलेंडर फटने की जानकारी मिली। जिस जगह पे गैस फटा उस जगह पर अवैध रूप से खटाखे स्टोर कर गुपचुप तरीके बेचे जाते थे। दुर्गा साइकिल स्टोर के संचालक व निरंकारी जूता दुकान के संचालक सपना बजाज पिछले कई वर्षों से अवैध रूप से अधिक रेट में गैस बेचे जाते थे। जिला सिटी कोतवाली के सामने रहते हुए भी गैस अवैध रूप से बेचे जाते हैं। और तलब है कि पुलिस विभाग की आला अधिकारी की मिली जुली तालमेल से आज जांजगीर के कचहरी चौक में आए दिन शराब व गांजे जैसी मादक पदार्थ की बिक्री अवैध रूप से पिछले कई वर्षों से हो रही है, जिस पर पुलिस जांजगीर पुलिस प्रशासन की अनदेखी साफ साफ नजर आ रही है। जिला मुख्यालय व पुलिस थाना सामने होते हुए भी बेखौफ रूप से दारू डॉट गांजा जैसी नशीली पदार्थ का बिक्री किया जाता है। अगर समय रहते अवैध गैस की बिक्री पर रोक लगा होता तो ये घटना देखने को नहीं मिलता। सर, किस प्रकार से आग लगी, क्या कहना चाहेंगे? जबरदस्त गैस भरती हुई खराब कोतवाली के सामने गैस है गैस पर आग लगी हुई है। तत्काल सूचना पर थाने की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया और आग बुझाने की कार्रवाई की जा रही है। आग किन कारणों से लगा है इस संबंध में जांच की जाएगी। जांच पर सभी तथ्य आएंगे उनके आधार पर अधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, सब सबसे बड़ी बात देखी जाए, कोतवाली के सामने जो है अवैध सिलेंडरों का जो है भंडारण रखा हुआ था और इस प्रकार से जो है लापरवाही पुलिस का भी माना जाए, क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में भी खाद्य विभाग से पत्राचार किया जाएगा कि किन्होंने सिलेंडर प्रदाय किया है, इनके पास कैसे सिलेंडर आया, जैसा बताया जा रहा है सिलेंडर रिपोर्ट होने की बात आ रही है, उनसे पत्राचार कर जानकारी ली जाएगी और उसके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में भी जाँच की जाएगी और जो भी तथ्य आएंगे सामने उसके आधार पर समस्त प्रकार से जो भी जाँच सामने आएंगे जो भी तथ्य हमको मिलेंगे अच्छी कार्रवाई और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। अभी क्या पोजीशन है और कितने मशक्कत के बाद जो है आग को बुझाया गया, क्या कहना चाहेंगे? लगभग अभी आग 100% बुझी नहीं है, बुझाने की कार्रवाई जारी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर उपस्थित है और आग बुझाया जा रहा है, कम्प्लीटली आग बुझा नहीं है। सर, एक चीज़ और था, अगर दुकान संचालक की अगर लापरवाही, क्योंकि पूरा बीच शहर में था, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, तो अगर लापरवाही इनकी पाई गई तो क्या इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। जिसकी लापरवाही से ये घटना घटित हुई, अगर लापरवाही पाई जाती है तो उनके खिलाफ 100% कार्रवाई की जाएगी। ठीक, धन्यवाद सर।